الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. قال جل تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه شفيع لأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك وعليك. وقال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأدرج، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالهنزلة، ليس لها ريح وطعمها مر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. पढ़ना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उनवान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। قال جل وعلا: فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من. حاضرین مجلس، معزز محترم محتشم دوستو، بزرگو، نوجوان بھائیو، فضیلت العلام مشائخ عزام محترم جناب ظفر اقبال صاحب، برادرم جہانگیر صاحب، اور میرے بڑے ہی پیارے محسن اور بھائی مون صاحب، مون بھائی، ڈاکٹر سلطان صاحب، چودھری شکیل صاحب، اور جتنے بھی یہ روشن اور منور چہرے جنہوں نے مل کر کے آج کی یہ محفل سجائی ہے، آپ سمیت جتنے آپ سامعین یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ سب آج قرآن کی محفل میں جمع ہیں، اور قرآن کی محفل میں جمع ہونا خاص کر اس دور میں جب جگہ جگہ گانے، قوالیاں اور سٹیج ڈراموں کا دور ہو، یہ دور سٹیج ڈراموں کا دور ہے، بڑے بڑے میڈیائی منافق اور بڑے بڑے صحافی اس وقت کی نبض سے، اس کی ایکو ذرا کم رکھے تاکہ بات سمجھ آئے، حالات سے متاثر ہوئے، وہ اپنی عزت کا دفاع کیے بغیر ویو لینے کے چکر میں اپنے اسٹیجوں پہ، اپنے میڈیائی صفحات پہ وہ سٹیج ڈراموں کو لے آئے کہ دنیا انہیں دیکھتی ہے، لیکن مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ان تمام تر فحاشی اور یعنی اور فضولیات پھیلانے والوں کا مقابلہ اس جیسی عظیم الشان محافل کا انعقاد کر کے کرتے ہیں۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آسان کام نہیں، دیکھنے کو شاید یہ لوگ جو جہاں جامع مسجد ابراہیم میں جمع ہیں تھوڑے نظر آ رہے ہوں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے: کم من فئت قلیلہ غلبت فئت کثیرہ، کتنی ہی ایسی جماعتیں ہیں جو دیکھنے کو تو تھوڑی نظر آئیں لیکن اللہ نے انہیں بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب کر دیا۔ فقلیل من عبادی الشکور، اے بندو
मेरे बंदों का खासा ये होता है, तादाद के अंदर थोड़े होते हैं, इखलास के अंदर ज्यादा होते हैं, भारी होते हैं। उनकी हैसियत और उनका वजन मेरे नजदीक इतना होता है कि उनके मुंह से निकली हुई अगर सुभान अल्लाह मैं तराजू के एक परड़े में रख के सारी कायनात को दूसरे परड़े में रख दूं तो उनके मुंह से निकली हुई सुभान अल्लाह का वजन ज्यादा हो जाता है। जो मेरे होते हैं कम मिन फियतिन कलीला गलबत फियतन कसीरा बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म अल्लाह का फैसला है। आज इस जामिया मस्जिद इब्राहिम अली मान एजुकेशनल सिस्टम हिफ्ज़ुल कुरान के इस इदारे में अहबाब का महफिल हुस्ने किरात के लिए, कुरान की आवाज के लिए, लोगों को कुरान की तिलावत सुनाने के लिए एहतमाम करना, अल्लाह की कसम इस काम पे, कुरान मजीद की मेहनत पे, कुरान मजीद को याद रखने पे, कुरान मजीद को सुनने सुनाने पे, कायनात के चप्पे चप्पे के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुबारकबाद दी है। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत उबै इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से जब कुरान मजीद के बारे एक सवाल पूछा, कुरान मजीद के बारे सवाल पूछा, कुरान मजीद के बारे सवाल पूछा, जब हजरत उबै इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान मजीद के पूछे गए सवाल का जवाब दिया, कौनैन के इमाम ने कहा था या उबै इब्ने काब हनी अल्लक हनी अल्लक हनी अल्लक, ए उबै इब्ने काब तुझे मोहम्मद मुबारकबाद पेश करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ कहते हैं फुला जगह से अवार्ड लिया है, फुला जगह से इजाज लिया है, क्या हुसन ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, हमें कौन है इनके इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारकबाद दी है। वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, ये रोशन चेहरे, ये कुरान मजीद की मोहब्बत, कुरान मजीद का प्यार दिल में रखने वाले चेहरे, ये तलाबा सारी कायनात के गवैये, उनके महल्लात, उनका सरमाया, इनके गिरने वाली पसीने की एक बूंद का मुकाबला नहीं करता। इन्नल मलाइकत लतज़ा वज़निहता रिज़ल लितालिब इल्म, तालिब इल्म कुरान का तालिब इल्म जब घर से कुरान पढ़ने के लिए निकलता है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके इस्तकबाल के लिए पर बिछाते हैं। मजतमा कौमुम बैतुम मिन बुयूतिल्लाहि वयतज़ाकरूनल कुरआना वयतदारसूना हफ्फतहुमुल मलाइका गशियत गशियतहुमुर रहमा नज़लत अलैहिमुस सकीना, जब अल्लाह के घरों में से कुछ लोग किसी घर में बैठ कर के कुरान की बातें करते, कुरान की महफिल सुनने के लिए, दीन की बात सुनने के लिए, कुरान की तिलावत सुनने के लिए, यतलूना व यतदारसूना उसके फहम के लिए, कुरान की आवाज सुनने के लिए बैठते हैं, आसमान की छत से लेके जमीन तक इर्द गिर्द दाएं बाएं शर्क गर्ब जनूब व जमाल में फरिश्ते उनको अपने घेरे और अपने हिसार में ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी। बाज दफा कुछ साथी ये कहते हैं भाई तुम्हें क्या मिल गया महफिल करवा के, ये सवाल मरासी नचाने वालों से पूछो, फनकार और गुलुकरों को बुलाने वालों से पूछो, डूमो को नचाने वालों से पूछो, भाई डुगडुगी पे कोई रेच नचाए, कोई मरासी और डूम को नचाए, तूने सारी रात जो खुसरे नचाए हैं और खुसरों पे तूने वेले चढ़ाई हैं, तुझे क्या मिला, ये सवाल तो उससे पूछना चाहिए। हमें दुनिया भी मिली अल्लाह के फजल से, हमें आखरत भी मिली। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जब मक्का के गवर्नर को तलब फरमाते हैं, हजरत नाफे को जब वो तशरीफ लाते हैं, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो पूछते हैं ए नाफे तुम तो मेरी बात सुनने के लिए आ गए, अपने बाद अपने पीछे मक्के की गवर्नरी की सीट पे तुम किसको बिठा के आए हो, कहा अब्दुल रहमान इब्ने अब्जा को मक्के का गवर्नर बना के आया, गवर्नरी की सीट पे बिठा के आया, सबसे कायनात की आला औला अच्छी सीट मैं उसको दे करके आया, क्यों दे करके आया, कौन है अब्दुल रहमान इब्ने अब्जा, हजरत नाफे फरमाते हुआ मौलम मिन मवालीना या अमीरुल मोमिनीन, अब्दुल रहमान इब्न अब्जा हमारे गुलामों का गुलाम है, हमारे नौकरों में से एक नौकर है, मुलाजम है, उस मुलाजम को इतनी बड़ी सीट पे मक्के के इक्तदार पे बिठाए, उसकी वजह क्या है। तो हजरत नाफे ने क्या जवाब दिया उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हुवा कारीउल लिकिताबिल्लाह, हुवा कारीउल
लिखता बिल्ला अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैं उन्हें उसे मैं मक्के का गवर्नर इसलिए बना के आया कि वो अल्लाह के कुरान को पढ़ता है। किस चीज को पढ़ता है? वो हमारे यहाँ तो कहते हैं ये मीडिया के अंदर एक मिनट के अंदर 25-26 हरूफ पढ़ने वाला, ये सबसे ज्यादा जुबान चबड़ चबड़ चला करके ये खबरें पढ़ने वाला, इसकी आवाज बड़ी अच्छी, ये गाने गाने वाला, लिहाजा ये जनाबे अली इसको सदारती अवार्ड दिए जा रहे, नवाजा जा रहा है। सबसे बड़ा अवार्ड और एजाज ये है कि अल्लाह किसी बंदे को अपना कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। जमीन व आसमान की तमाम तर अजीम तरीन मखलूकात में से इंसान सबसे आला है। इंसानों के अंदर सरदारी का शर्फ उसे हासिल है अल्लाह जिसे कुरान की दौलत आता फरमा देते। वो वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जिनके बच्चे यहाँ कुरान मजीद हिफ्ज करते हैं। वो असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। वो मुंतज़मीन मुआविनीन मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। कसम खुदा की है, जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, हम मर जाएंगे, हमारी आंखें खुलेंगी, ये कुरान हमें रोशनियां करता हुआ उस जहान के अंदर नजर आएगा जिस जहान को भूले बैठे। हुआ कारी उल्ली किताबिल्ला, उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी, इन्नल्लाह यरफाउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़ाउ बिही आखरीन। लोगों क्या तुमने सुना नहीं, अमा इन्ना नबियकुम फकद काल अलैहि सलातु व सलाम, के तुम्हारे रसूल तुम्हारे इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेशक जो लोग इस कुरान से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उन्हें इज्जतें अता करता है, जो इस कुरान को छोड़ देता है अल्लाह उन्हें जलील कर देता है। तो हम उसे जवाब देंगे कि हमें ये प्रोग्राम करवा के दुनिया भी मिली और इंशाल्लाह आखिरत भी हमारी है। तुम्हारी ना दुनिया है ना तुम्हारी आखिरत है। अगर गानों के अंदर सुकून होता तो गाना गाने वाले बेसुकूनी की मौत ना मरते। अगर गाना गाने में सुकून होता फिर वो मरते वक्त ये कहते हमें गाना सुनाओ। कायनात में अल्लाह ने सुकून जिस आवाज में रखा है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान की आवाज है, जो दुखों को दूर करती, जो गमों को दूर करती, जो बीमारियों को दूर करती। कारी सईदुल्लाह सईद बुखारी साहब आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। मेरे भाई कारी अब्दुल वदूद आसिम साहब, अल्लाह इन दोनों मेरे बड़े भाइयों की उम्रों को जिंदगियों को सलामत रखे। आप पूछिए कारी साहब से कि मैं इनके साथ था जब एक हॉस्पिटल में जाना हुआ, म्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर खुद बतला रहे थे कि जब मरीज बेसुकूनी की इंतहा को पहुंचते हैं तो हम उनको सुकून पहुंचाने के लिए कुरान मजीद की तिलावत लगा देते हैं। ना मुझे जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफवे बंदा नवाज में। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, ना दुनिया से ना दौलत से ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। हमारे वलीमे की दावतें हो ना वलीमे की, दो दो घंटे हम वहां बैठे रहते हैं। क्या कोई बंदा है जो मुझे ये बतलाए कि वलीमे की दावत में दो घंटे बैठने का सवाब है? दो घंटे क्या, दो सदियां भी बैठे रहे कोई सवाब नहीं है। लेकिन लोगों, जो शख्स मस्जिद में बैठ जाए और मस्जिद में बैठ के अल्लाह की बात मुनादी आवाज के इंतजार में लगा रहे, फजालिकुमुर रिबाब, एक नमाज पढ़ी दूसरी का इंतजार, नमाज पढ़ी दीन की बात का इंतजार, गोया के ये शख्स जो जाग करके अल्लाह की बात सुनने का इंतजार कर रहा है, ये खुदा की सरहद पे खड़ा होके पहरा दे रहा है। कयामत के दिन इसकी आंख पे खुदा ने जहन्नम की आग को हराम किया। ये एजाज और ये इज्जत अल्लाह ताला ने अपने घर में बैठने वाले बख्त बेदारों को अदा की है। जब जगह जगह मौसीकी, रक्षों पे मौसीकी, चीमों पे मौसीकी, मंठारों पे मौसीकी, और जनाब अली डैबो के अंदर मौसीकी, मोबाइल के अंदर मौसीकी, टेलीविजन के अंदर मौसीकी, सदारती महल के अंदर मौसीकी, अवार्ड याफ्ता वो लोग जो मौसीकी के दिल दादे हैं ट्यून के, और जब मौसीकी की कसरत हो जाए क्या जरूरी नहीं हो जाता इन तमाम तर मौसीकियों का जवाब देने के लिए हम कुरान के प्रोग्राम करवा करके बतलाएं, ओ लोगों आओ अपने कानों से ये आवाज सुनो, खुदा ने कान और दिल का सुकून कुरान की आवाज में रखा है। सारी सारी रात ये गवैयों का इंतजार करते हैं, मिन्नतें तरले करते हैं, मनमानी की फीसें भरते हैं, फिर उनकी
वो नजाकत भरी कथाएं और उनके नखरे सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। करना क्या है? शैतानी चरखा चलाना है, नाचना है, गाना है, वक्ती तौर पे इंटरटेन करना है, वक्ती तौर पे इंटरटेन करना है। ये कुरान मजीद की जो महफिल है ना, इसमें जो बंदा बैठता है, कुरान की तिलावत सुनता है, अल्लाह का जिक्र सुनता है, अल्लाह के घर में बैठता है। रसूल रहमत अली इस्लाम ने फरमाया, जब तक वो वहां बैठा रहता है वो अल्लाह का मेहमान होता है, अल्लाह उसका इकराम फरमाते रहते हैं। ये अल्लाह का मेहमान कौन बंदा होता है? जो वलीमे की दावत में रोटी के इंतजार में बैठा होता है, जो ऐसे ही किसी के पास जाके बैठा होता है, होर सुना, तीन तीन घंटे जाए करता। आजकल तो मीडिया का दजल इतना उरूज पे है, कोई तहरीक इंसाफ की बहस कर रहा है, कोई नून लीग की बहस कर रहा है, कोई पीपल पार्टी की बहस कर रहा है। आप मुझे सारे ईमान से बतलाइए, मैं अपने मशायख मेहमानों को दावत दूं कि आप 100 साल भी नून लीग की फजीलतें बयान करते रहे, आपको सवाब मिलेगा? 200 साल तहरीक इंसाफ के फजाइल बयान करते रहे, आपको सवाब मिलेगा? 300 साल पीपल्स पार्टी के फजाइल बयान करते रहे, आपको सवाब मिलेगा? क्या लेना इन बातों से, क्या देना इन बातों से, क्यों, कौन सी लड़ाई और कौन से झगड़े? हजरत, ये सब वक्त का ज़िया है। कयामत के दिन अफसोस होगा कि ये जो मैंने फजूल बोला है, काश इसकी जगह मैंने अच्छा बोला होता है। कुरान कहता है, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिल सालिहन व قال انني من المسلمين। कुरान कहता है, लोगों मेरी नजर में उस बंदे से अच्छा बंदा कोई नहीं है जो लोगों को मेरी तरफ बुलाता है। सब तो खूबसूरत और सब तो अच्छा मुनव्वर चेहरे वाला, रोशन चेहरे वाला बंदा हो, वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इलल्लाह, जो लोगों को किस तरह बुलाता है, ऊंची आवाज से अल्लाह की तरफ बुलाता है। इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में हमने अल्लाह से ये दुआ भी मांगनी है, अल्लाह से दुआ भी मांगनी है, और आइंदा हमने ये कोशिश भी करनी है कि हमने इंशाअल्लाह कुरान मजीद के प्रोग्राम करवाने। आप दिल से सुनिए, दिल से सुनिए, और कुरान मजीद की तिलावत सुन करके अगर आपकी आंखों से चंद आंसू बह पड़ते हैं, रसूल करीम अली इस्लाम की गारंटी और बशारत है कि अल्लाह ने ऐसे शख्स पे रजुलन खालियन ज़कर अल्लाह फफाजत अईना, अल्लाह की बात सुनी, अल्लाह का जिक्र सुना। वइजा समीउ मा उनज़िला इला रसूली तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद दमई मिम्मा अरफू मिनल हक यकूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदी। अल्लाह ने जन्नत उन बंदों के लिए रखी है जो कुरान मजीद को सुनते हैं और उनकी आंखों से आंसू भी पड़ते हैं। ये सआदत का मौका है, ये मुबारकबाद का मौका है। हम सब ने, मेरे अजीजों, आप सारे माशाल्लाह कमालिया के, जो कमालिया के साथी हैं वो जरा हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह अक्सरियत कमालिया की है। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों का कमाल अता फरमाए। इस इदारे को याद रखेंगे इंशाल्लाह, ऊंची आवाज से इंशाल्लाह, इसकी आबादी के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई हाफिज अल्लाह दत्ता साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए कोशिश की और उन्हें शौक था, ये तीन मेरे मरकजी साथी दोस्त इस सरजमीन कमालिया में ये शोभा हिफज का आगाज करने वाले, अल्लाह इनके वालिदैन की दुनिया आखिरत संवारे। अल्लाह दत्ता भाई हैं, मोहन भाई हैं, मौलाना जफर साहब हैं, ये तीनों साथी, मैंने इन्हें कहा कि आप यहाँ महफिल उसने किरात रखें, और इन्होंने बड़ी खुशी के साथ कहा कि हमारा तो पहले से ये चाह है कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम मिस्री मेहमानों को बुलाएं और लोगों को सुनाएं अल्लाह का कुरान, कि ये कुरान सुन के देखो कि तुम्हारे गम और तुम्हारे दुख दूर होते हैं कि नहीं। आइंदा भी हम इंशाल्लाह इन दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करेंगे जैसे मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और इन्हें ये भी कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं यार, साल होने वाला है फिर कुरान मजीद की महफिल सजाओ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से सच्चाई के साथ दुआएं मांगी हो ना तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा देता है। हम कोशिश करेंगे अपने इन साथियों का, जहां शुक्रिया अदा करेंगे वहां इनसे ये कहेंगे कि साल होने वाला है, हमारे जिम्मे भी लगाओ, हमने लोगों को बताया, ओ परेशान हालो आओ खुदा के घर में बैठ के खुदा का पैगाम सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बशारत अता फरमाता है, कयामत के दिन कुरान पढ़ने वाला आएगा, अल्लाह उसके दाएं हाथ के अंदर जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाएंगे और दूसरी तरफ अल्लाह उसे ये इज्जत का मनसब और एजाज नसीब फरमाएंगे कि जा के बाद तुझे कभी परेशानी नहीं आएगी, तू सारी जिंदगी कुरान के साथ ताल्लुक को मजबूत रखता था।
अपने बच्चों भतीजों भांजों को अपने दोतों पोतों को कुरान की तालीम के लिए वक्फ करेंगे इंशाल्लाह। और चलो दुनिया तो टूटी फूटी है, जैसी तैसी है, गुजर गई है, गुजर जाएगी, आखिर तो बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अगर हमारी आखिरत बना देते हैं, हमारी आखिरत कामयाब फरमा देते हैं, तो यकीनन फमन ज़ुहज़िया अनिल नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिस बंदे को दोज़ख़ से बचा लिया गया और क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल कर दिया गया, लोगों ये दुनिया का हकीकी कामयाब आदमी है। तो कोई दौर भी हो, कोई हुकूमत आए, कोई जाए, हमने इंशाल्लाह कुरान का काम करना है। कारी नबीदुल्लाह सिद्दीकी साहब अभी कहाँ, कारी साहब को बुलाएं, कारी नबीदुल्लाह सिद्दीकी साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि अंदर तशरीफ लाएं, उन्हीं की तिलावत का इंतजार हो रहा है। उस्ताज़े गिरामी मोहतरम जनाब कारी नबीदुल्लाह सिद्दीकी साहब से गुजारिश है कि अंदर हाल में तशरीफ ले आए, उनकी तिलावत का इंतजार हो रहा है, उनकी तिलावत है, और उसके बाद हमारे ये प्रोग्राम अपना जो है वो इख्तिताम की तरफ है। ये आखिरी दो तीन तिलावतें, तो ये उस्ताज़े गिरामी की मोहब्बत है, उनका प्यार है, उनका हम सब के साथ हुस्ने सलूक और उनका एहसान है कि कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ नबीदुल्लाह सिद्दीकी साहब प्यार के साथ मान के साथ तशरीफ लाए। अल्लाह कारी नबीदुल्लाह सिद्दीकी साहब को इसी तरह ताबिंदा हो, अल्लाह ताला जावेद रखे, अल्लाह शादाब आबाद रखे। कुरान मजीद की महाफिल और इनकी परमिशन और इनको फैलाना और महाफिल हुस्न किरात का इनेकाद, इसके मुख्तसर से एक दो फ़ायदे में आपके सामने रख दूं कि ये जो कल्चर है ना कुरान मजीद की तिलावत का जो कल्चर है वो इन महाफिल की बुनियाद पे जिंदा रहता है। लोगों को पता चलता है कि ये कुरान ठप करके अलमारियों में रखने की चीज़ नहीं है बल्कि पढ़ने की चीज़ है, ठीक है ना। तो ट्रेंड जो है, ट्रेंड ये जिंदा रहता है इन महाफिल की बुनियाद पे। दूसरा फायदा ये होता है कि कोई ना कोई उस शख्स महफिल में बैठा अल्लाह से दुआ कर लेता है कि अल्लाह मुझे तेरा कुरान सुन के बड़ा मजा आया है, मेरा शुमार भी कुरान के साथ मोहब्बत करने वालों में कर। नंबर तीन, इंसान अल्लाह से ये भी दुआ कर लेता है, अल्लाह जिस तरह ये कुरान पढ़ रहा है, चलो मुझसे तो नहीं हुआ, मेरी नस्ल में कोई बच्चा पैदा कर दे अल्लाह, कोई बेटा पोता दोता दे दे, मैं जिसको कुरान के लिए वक्फ करूं वो भी कुरान मजीद इस तरह पढ़े। एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान को समझ आ जाती है अगर दिल के कानों से सुने कि यार दुनिया भर की बेशुमार महफिलों में बैठ करके देखा है जो सुकून अल्लाह ने अपने कुरान की महफिल में रखा है, अल्लाह की कसम ये सुकून और ये चाशनी और ये मिठास और शरीनी ये कायनात में कहीं है ही नहीं। और सबसे बड़ा इसका जो फायदा है कुरान मजीद के प्रोग्रामों में और इसकी हफलात में, इसकी महाफिल में बैठने का, वो ये होता है कि इंसान अल्लाह ताला के उन मुकर्रब बंदों के अंदर शामिल और शरीक हो जाता है जिनके बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अहलुल कुरान अहलुल्लाह व खासतुहु, कि अहले कुरान ये अहलुल्लाह होते हैं, अहलुल्लाह होते हैं, अल्लाह के सबसे बड़ी वली कौन होते हैं, जो कुरान मजीद से मोहब्बत रखते हैं, गोया के अल्लाह ताला उन्हें अपने मुकर्रब बंदों के अंदर शामिल फरमा लेते हैं जो बंदे कुरान मजीद से मोहब्बत करते हैं। और अगले हदीस के जुमले हैं व खासतु, कि अहले कुरान ये अल्लाह की फैमिली होते हैं, अल्लाह इन्हें अपनी कौम बना लेते हैं, अल्लाह शरीकों से पाक, कौम कबीले से पाक है, लेकिन अल्लाह कुरान पढ़ने वालों को ये इज्जत, ये एजाज और अल्लाह ताला की शान और मनसब अता फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अहले कुरान को ये एजाज देते हैं कि अहलुल्लाह ये हैं, अल्लाह वाले ये हैं, अल्लाह के वली ये। अल्लाह के वली की सबसे बड़ी निशानी आप सारे साथी याद कर लें, ये आज का बहुत बड़ा एक सवाल भी है उसका जवाब भी, सबसे बड़े निशानी वली की निशानी, अल्लाह के सबसे बड़े वली की निशानी, अल्लाह के वली की निशानी ये है कि उसको कुरान के साथ प्यार होता है। पाटे पुराने कपड़े पाके, गला चकुंगरू पाके, 25-26 दिन नान होना, 3-4 महीने गुसलखाने तो दूर रहना, बंदा रास्ते जा रहा हो, बकरियां जानवर डर रहे हो, और हाथ में टल और बहुत बड़ा हाथ के अंदर जनाबेली उसने लकड़ का आसा पकड़ा हुआ हो और छू छलंतर मुंह मलंतर करके समझ रहा हो कि मैं बहुत बड़ा वली हूँ, ये इसका जुम्मे बातल है, ये वलायत की कोई निशानी नहीं। वलायत की सबसे बड़ी निशानी ये है अहलुल कुरानी अहलुल्लाह,
ये पिछले दिनों एक उर्स वाला हॉर में बेशुमार बाबे वहां आए, आपने इंटरव्यू सुने, उसने कहा बाबा जी आपकी करामत क्या, उन्होंने कहा मैं टुबी मार के नहर पार कर लेना। तुम क्या करामत, तुम्हारी क्या करामत, उन्होंने कहा एक लत ते नच नच के यार मना चले, क्या बात है तुम्हारी क्या करामत है, उन्होंने कहा एको सोटी ना दो पासे ढोल बजा ले, भी तुम्हारी क्या करामत है, मैं कराची से चल करके आया, अच्छा सब कुछ ठीक है, आयतल कुर्सी आती है नहीं, ऐसा का काम असी कदे नहीं कीता, ओंज असी बड़े पहुंचे हुए वली है, अल्लाह की कसम ये वली की निशानी कहीं भी नहीं है, अहलुल कुरान ही, और बोले हदीस पढ़े पढ़े सारे, अहलुल कुरान ही अहलुल्लाह ही وخاصتو اللہ کا ولی وہ ہے جس کو اللہ قرآن کا پیار عطا فرما دے۔ دعا کروانی ہوے نا تے بڑیاں تسبیحاں ویکھ کے متاثر نہ ہویا کرو، اے ویکھیا کرو کہ زندگی چ قرآن کون زیادہ پڑھدا ہے، تے قرآن صحیح پڑھدا ہے، قرآن فرمایا وہ اس طرح تلاوت کرنے آتے ہی نا امول کتاب یتلون حق تلاوتی، جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، اور وہ حق کون ادا کریں گے، ہمارے مشائخ जिन्होंने कुरान मजीद की महाफिल को फजीलत उस्ताद कारी नबीदुल्लाह लखवी साहब, मैं फिर अपने उस्ताद गिरामी को इस महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। इस शोभा हिम्मत के इदारे में अली मान एजुकेशनल सिस्टम जामे मस्जिद इब्राहिम में अपनी तरफ से अपने तमाम साथियों की तरफ से सबसे पहले जो मिस्री कुर्रा की महाफिल हमारे मकतब फिक्र में हुई वो हजरत कारी साहब नबीदुल्लाह लखवी साहब की मेहनतों और काशों से शुरू हुई। ये हमारे ये सर का ताज है, कारी सईदुल्ला साहब बैठे हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त कारी अब्दुल वदूद आसम साहब, और बहुत प्यारे जिगरी दोस्त कारी अब्दुस्सलाम अजीजी साहब जो आजकल उम्रे पे गए। इन महाफिल को मुनाकिद करने में, मेहमानों को बुलाने में हमारे आज के मेजबान कारी उमर फारूक साहब, मेरे भाई मेरे अजीज साथी, जो इन मिस्री मेहमानों को बुलाया, इन्हें दावत दी और सुबह शाम घूम रहे हैं। अल्लाह की कसम मकसद ये है कि कुरान मजीद का जौक शौक लोगों के दिलों में ताज़ा रहे। आप अक्सर जब टीवी देखते हैं तो वहां एक कोक स्टूडियो आता है, क्या आता है, क्या आता है, कोक स्टूडियो। उस कोक स्टूडियो पे मुख्तलिफ किस्म के गाने वो नशर किए जाते हैं, और कोक स्टूडियो वाले अपने स्टूडियो में आने वाले गुलकारों को करोड़ों रुपया देते हैं। वहां उन्होंने मुलाजम रखे, कोई ढोल बजाने ली, कोई बाजा, कोई बांसुरी, कोई साज, उनको करोड़ों रुपए तनख्वाह देते हैं। उन्होंने कैमरा मैन रखे, कैमरा मैनों को वो करोड़ों तनख्वाह देते हैं। एडिटर मास्टर रखे, उनको वो लाखों करोड़ों देते, फिर वो अपना गाना मीडिया को चलाने के लिए देते हैं, और मीडिया बाज दफा एक एक मिनट का उनसे लाखों वसूल करता है कि तुम्हारा गाना एक मिनट चलाएंगे हम तुमसे इतने लाख लेंगे। जिस मीडिया के पेज को जितना ज्यादा देखा जाता है वो फिर कोक स्टूडियो वालों से वो गाना चलाने के लिए उतने ज्यादा पैसे लेते हैं। कोक स्टूडियो वाले उनको पैसे दे के कहते हैं हमारा गाना चलाओ। ये जो मुख्तलिफ किस्म के लोगों को, फनकारों को, साजिंदों को और कैमरा मैनों को और मीडिया वालों को पैसा दे रहे हैं, क्यों? उसके जब हेड से सवाल हुआ कि ये सारा खर्चा आप क्यों कर रहे हैं, वो कह रहा इसलिए कि लफ्ज़े कोक लोगों के दरमियान जिंदा रहे। लफ्ज़े कोक पिछे सिर्फ कोक दा मोनो लाया, कोक दा गाने दा साडे ना तालक नहीं, साज दा साडे ना तालक नहीं। जब लोग गाना सुनेंगे तो पीछे कोक का मोनो आएगा, कोक जिंदा रहेगी तो लोग कोक पीते रहेंगे और हमारी मार्केट उरूज पे जाएगी। कल्चर को जिंदा रखने के लिए कुरान की महाफिल का इनेकाद बड़ा जरूरी है। हक हक है, बातल बातल है, अल्लाह इस हक के जरिए से बातल का सर फोड़ते आए हैं और फोड़ेंगे, और बातल का सर फटेगा। हक के जरिए से अल्लाह ताला कायनात में रोशनियां लाएंगे, बरकतें लाएंगे। मैं मोहतरम जनाब कारी नबीदुल्लाह लखवी साहब और हमारे ये मेहमान गिरामी शेख माशाल्लाह महमूद हुसैन आशूर हुआ माशाल्लाह शाबुन, वो कुरान हदीस में आता है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह सबतु यज़िल्लुहुमुल्ला फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु तिलावतुल कुरान हियल इबादा अफ़ज़लुज़ ज़िक्री तिलावतुल कुरान, सबसे बड़ा जिक्र कुरान मजीद की तिलावत है। मैं इन्हें खुश आमदीद कहता हूँ, उरहिबु बिकुम बितरहीबन हारन बियामाक कुलूबिना माशाल्लाह अतैतुम अहलन व अतैतुम सहलन। यासर सराया साहब हैं हमारे जो मिस्री मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए फजीलतुल उस्ताद उस्तादुल कुर्रा मोहतरम जनाब कारी नबीदुल हसन लखवी साहब को गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ।